हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। और चलिए, हर बार की तरह इस बार भी हम कुछ आपको नॉलेज की वीडियो दिखाते हैं, फिर भी और आपसे अच्छी खासी कमेंट भी पाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक सवाल पूछूंगा, लेकिन उससे पहले पिछले वीडियो का जवाब। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर किस काम में आते हैं। तो एम्पियर मीटर आपको लोड नापने यानी कि करंट नापने के काम में आते हैं, जबकि वोल्ट मीटर वोल्ट नापने के या वोल्ट मापने के काम में आते हैं। तो दोनों का अलग अलग अंतर है। और आज के सवाल ये है कि आप ये बताइए कि आपको हाइड्रोमीटर का आपने नाम सुना होगा, तो ये बता सकते हैं आप कि हाइड्रोमीटर की यूज कहाँ पर है और वो किस काम में आती है। तो अगर आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और चलिए, अब हम ज़्यादा ना देर करते हुए कहते हैं चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्त, ये है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिक विद्युत सर्किट। तो विद्युत सर्किट के बारे में आपको ये जानना है तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। तो चलिए, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कहेंगे कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और इसे लाइक करना ना भूले। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद जब भी आप अपने मनपसंद वीडियो को देखना चाहेंगे तो आपको बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा। और बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी हम आपके लिए कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसके नोटिफिकेशन मिल जाए आपके मैसेज में। तो चलिए, अब ज़्यादा देर करते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे लोगों को माइंड में प्रश्न आता है कि विद्युत सर्किट क्या है, सर्किट कितने टाइप के होते हैं और उस सर्किट को जानना चाहते हैं। तो इसे भाई परिभाषित करना तो आसान नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं है। तो चलिए, कुछ हम सिंपली और इजीली यूजेड सप्लाई देने के और सप्लाई लेने के कारण को हम समझते हैं और उसके लिए हम चाहते हैं कि आप जान लें और अपने नॉलेज को बढ़ाएं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि कोई भी सर्किट होती है उसमें, जैसे कि आप मकानों घर इत्यादि में देखेंगे तो कोई भी सर्किट में दो तीन चीज़ का प्रयोग हमेशा रहता है, जैसे कि फ्यूज, स्विच, सॉकेट इत्यादि का। तो चलिए, इस सिद्धांत में हम आज चलते हैं कि सीरीज सर्किट क्या होती है और सीरीज सर्किट के बारे में हम बात करेंगे। तो वैसे आप दोस्तों जानते हैं कि विद्युत को अपने प्रवाह होने का वेग होता है, वे चाहता है निगेटिव पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ धारा प्रवाहित होती है। तो उस दौरान में उसके बाधा में जो भी बाधा आती है उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, ये तो आप भी जानते हैं। और उस रास्ते में जो जो पार्टिकुलर पार्ट्स पड़ेंगे उनसे विद्युत होकर गुजरती है, तो उसके हिसाब से वो करंट की खपत करती है, तो उनका करंट का खपत का मान भी अलग अलग हो जाता है। तो चलिए, अब थोड़ी सी हम सिंपली इसके बारे में जानते हैं कि ये है सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट के बारे में आपने सुना होगा, बहुत लोग जानते भी होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए सिंपली ये वीडियो है। चलिए, जैसे सीरीज सर्किट क्या कहते हैं, जैसे एक ही पार्टिकुलर कई चीज़ एक साथ लगाई जाती है तो उसे हम सीरीज सर्किट कहते हैं। जैसे कि वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है, यानी कि उनके डायरेक्ट सप्लाई से संबंध न होकर एक दूसरे से कनेक्ट होकर उसमें सप्लाई दी जाती है, उसे हम सीरीज सर्किट कहते हैं। जैसे कि सीरीज सर्किट की ये आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में रेजिस्टेंस इत्यादि का प्रयोग किया जाता है सीरीज के लिए, या फिर सीरीज में रेजिस्टेंस डायोड इत्यादि का भी प्रयोग किया जाता है, कंडेंसर का प्रयोग किया जाता है। तो सीरीज का महत्व बहुत बड़ा है। और चलिए, सीरीज का मतलब क्या होता है, देखिए कोई चीज़ में दो चीज़ होती है, कोई सामान में जैसे कि आप बल्ब लेते हैं उसमें दो चीज़ होती है, एक होती है जैसे कि 220 वोल्ट, यानी कि कितने वोल्ट तक उसकी सहने की कैपेसिटी है, और दूसरी होती है उसकी वाटेज, यानी कि वो कितने वाट की खपत करती है। तो चलिए, इसमें हम देख लेते हैं कि ये आपका एक 3 बल्ब है 100 वाट, हम 100 वाट ही मान कर चलते हैं इसको। तो चलिए, ये हमारी हो गई 100 वाट की रेजिस्टेंस, सॉरी 100 वाट की बल्ब, और इसकी खपत के लिए हम मान चलिए कि हम
इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। चलिए चाहे और हम नॉलेज बता देते हैं सिंपली कि अगर 100 वाट की ये बल्ब है सब के सब, तो आप ये देख सकते हैं कि 100 वाट के तीन हैं, एक दूसरे से ये आपस में जुटे हुए हैं सिंपली। तो ये बल्ब जलेगा और इसमें क्या होगी कि अब इसमें जो आपकी सप्लाई है, अगर हम 220 वोल्ट देते हैं तो इनमें आपस में 220 में तीन से भागा हो जाएगी, उतने उतने वोल्ट सब में मिलेंगे क्योंकि आपस में ये सीरीज है। तो यानी कि 230 वोल्ट का तिगुना भाग मिलेगा एक बल्ब को, उसके अनुसार ये रोशनी करेगी। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि अगर कहीं पर वोल्टेज ज़्यादा आता है, जैसे कि 440 आता है, तो उस दौरान में सिंगल बल्ब रहेगी तो आपकी फ्यूज हो जाएगी, जबकि आपकी डबल बल्ब रहेगी तो आपकी फ्यूज नहीं होगी, और ट्रिपल बल्ब रहेगी तो और भी फ्यूज नहीं होगी, लेकिन इसकी लाइटें कम हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात इसमें ये है, ये तो आपके बेनिफिट देख लिए, अगर इनमें से कोई एक बल्ब खराब हो जाएगा तो बाकी ये दोनों बल्ब भी नहीं जलेंगे, तो इसमें ये डिमेरिट है। और पॉजिटिव आपको मैंने बता दिया कि अगर इनमें ज़्यादा से ज़्यादा सहने की कैपेसिटी है, और सबसे बड़ी बात है ये जो है ये खपत करेंगे मात्र 100 ही वाट की, क्योंकि आपस में ये सीरीज है। हाँ, इनकी लाइटें कम हो जाएगी लेकिन वाटेज उतनी ही खपत करेंगे क्योंकि ये सीरीज है, और इनके वोल्टेज बढ़ जाएगी, जैसे कि 220 वोल्ट, यानी कि 660 वोल्टेज तक इसकी सहने की कैपेसिटी हो जाएगी। तो आशा है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया हुआ होगा, अगर पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो सो थैंक्स।